First Choice Kids Wear, धमाका सेल ऑफर अप टू 40-60% डिस्काउंट के साथ, स्पेशलिस्ट इन किड्स वेयर। फैंसी बाबा सूट, चूड़ीदार, वेस्टर्न आउटफिट, होस्टरी आइटम्स और भी बहुत कुछ। फर्स्ट चॉइस 9 साल से है आपकी चॉइस। वैरायटी की भरमार, अच्छी क्वालिटी, कम दाम। आज ही आए फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शुरुआत करते हैं आज के फटाफट खबरों। मुंबई के बांद्रा में स्थित कराची बेकरी को अब बंद कर दिया गया है। ये बेकरी पूरे देश में मशहूर थी। बताया जा रहा है कि आर्थिक कारणों की वजह से इस बेकरी को बंद किया गया है। कुछ दिन पहले ही एमरेस ने बेकरी का नाम कराची होने पर एतराज जताया था। महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में ऑटोमेटिक पावर लूम से इलेक्ट्रॉनिक कार्ड चोरी करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 44 लाख रुपए के कार्ड बरामद किए गए हैं। सोशल मीडिया में एक वीडियो काफी वायरल हो रही है। इमारत की 12वीं मंजिल से 1-2 साल की बच्ची नीचे गिर जाती है, मगर सामान डिलीवरी करने आए एक ट्रक ड्राइवर ट्रक के ऊपर बैठा था और इस बच्ची को इमारत से नीचे गिरते हुए देख उस बच्ची को पकड़ लिया, जिसकी वजह से इस बच्ची की जान बच गई। सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल होने के बाद ड्राइवर को लोग सुपरमैन का नाम दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो वियतनाम का है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के सतारा में हिंदुस्तान पेट्रोलियम की पेट्रोल की पाइपलाइन में छेद करके टैंकर से तेल चोरी करने की घटना सामने आई है। ये मामला तब उजागर हुआ जब तेल जमीन से रिसते हुए खेतों में जा पहुंचा। बहरहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही। उत्तर प्रदेश के कासगंज में बहू के प्यार में पागल ससुर ने अपने ही 15 महीने के बच्चे को नहर में फेंक दिया और अपहरण की कहानी पुलिस के सामने बना डाली, मगर तभी इसका बड़ा बेटा सामने आया और पत्नी और पिता के बीच में नाजायज रिश्तों की पोल खोल दी। बहू के प्यार में पागल हुए ससुर बेनकाब हो गए। आरोपी किशन कुमार और पुत्रवधु को गिरफ्तार कर लिया गया है और नहर में बच्चे की तलाश जारी है। ठाणे शहर में अवैध रूप से रोड के किनारे खड़े भंगार पड़े ऑटो रिक्शा पर कार्रवाई मनपा के अधिकारियों ने की। आज कार्रवाई करके रोड के किनारे खड़ी हुई कई भंगार ऑटो रिक्शा और अन्य वाहनों को मनपा के अधिकारियों ने जब्त कर लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के 2 शार्प शूटरों को प्रयागराज में इनकाउंटर में मार गिराया है। मारे गए बदमाशों का नाम राजीव पांडे उर्फ वकील पांडे है और SH अमजद उर्फ अंगद। ये दोनों पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। दलित महिला का मुकदमा लड़ने पर दबंगों ने एडवोकेट ओम प्रकाश को जान से मारने की धमकी दी है। मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा का है। इंडिया थोक थाने में इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक से मिलकर सुरक्षा की मांग की गई है और दबंगों पर कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। यूपी के गोंडा में पुलिस ने 32 करोड़ रुपए टैक्स चोरी का भंडाफोड़ किया है। SP शैलेश कुमार पांडे ने बताया है कि गोंडा समेत अन्य जिलों में तिलहन फली मेधा तेल मूंगफली राइस ब्रांड आदि व्यापार में गिरोह बंदी कर चोरी का मामला प्रकाश में आया है। अमित ट्रेडिंग कंपनी और कई फार्मों द्वारा 32 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की बात सामने आ रही है। वहीं म्यांमार में तख्ता पलट होने के बाद आम जनता और सेना के बीच में टकराव जारी है। जनता लोकतंत्र की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रही है, मगर वहीं अब सेना ने लोकतंत्र की मांग करने वाली जनता पर फायरिंग शुरू कर दी है और इस फायरिंग में करीब 50 लोगों से ज़्यादा की मौत हो चुकी है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।